أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم students. اچھا students are you will fine and everything is okay. ہم نے previously ہمارا lecture تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا ڈیٹا بیس جو ماڈل ہے ٹھیک ہے وہ ہم کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جب ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں اس میں کون کون سے کام ہمیں کرنا پڑتے ہیں ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے ہمیں انالائسس ہمیں فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنا پڑتا ہے हमें उसका लॉजिकल डाटा बेस डिज़ाइन करना पड़ता है इसी तरह हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है ठीक है ये चार पांच स्टेप्स हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में और आज का जो लेक्चर है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है मतलब इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि कंसेप्ट अगर आपको आते होंगे कि यानी डाटा बेस के लॉजिकल मॉडल से क्या मुराद है फिजिकल मॉडल से क्या मुराद है बिल्कुल को अगर आपने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना है तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस में ही आगे पढ़ना है यानी बी एस सी एस करना है बी एस आई टी करना है ठीक है या एम एस सी आई टी करना है जो भी आप अगर कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है वैसे भी जरूरी है आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल से क्या मुराद है फिजिकल से क्या मुराद है ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए। आज हम पढ़ेंगे उसी जो टॉपिक हमने जो कल पढ़ा था उसका सब टॉपिक है ठीक है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है उसमें हमने पढ़ा था डेटा बेस का लॉजिकल डिज़ाइन क्या होता है ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे जो लॉजिकल डिज़ाइन है या लॉजिकल जो मॉडल है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ठीक है यानी लॉजिकल जो मॉडल है वो किन कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है उनके हिसाब कौन कौन से हैं। सबसे पहले वो इसकी डेफिनेशन बयान करेगा कि लॉजिकल मॉडल होता क्या है ठीक है फिर उसके बाद कंपोनेंट्स इसके डिस्क्राइब करेंगे। चलिए लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल। द लॉजिकल मॉडल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। यानी जो कहता है कि लॉजिकल मॉडल जो है कंटेन्स उसमें होती है क्या होती है द डेफिनेशन ऑफ डाटा डाटा के बारे में डेफिनेशन टू बी स्टोर्ड इन डाटाबेस यानी जो डाटा आपका डाटाबेस में स्टोर होना होता है उसकी जो डेफिनेशन होती हैं वो किस में स्टोर होती हैं आपके लॉजिकल मॉडल में। अच्छा अभी वो बताएगा कि डेफिनेशन हैं क्या ये वो इट ऑल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। इट ऑल्सो कंटेन्स इसमें यह भी शामिल होता है द रूल्स रूल्स होते हैं कवानीन एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा यानी डाटा का स्ट्रक्चर किस तरह का है डाटा आपका टेबल की सूरत में है डाटा आपकी ग्राफ की सूरत में है उसकी टाइप कौन सी है कि आया वो डाटा इंटीजर डाटा टाइप है यानी उसमें एक दो तीन चार हिस्से हैं या उसमें करेक्टर हैं ए बी सी या उसमें कुछ हैश वगैरह साइंस आ सकते हैं। All entities and their attributes and their relationship are described in logical model. कहता है जो जितनी भी entities हैं यानी student शामिल होगा हमारे database में teacher होगा जो भी है वो entities की definition यानी उसके attributes कौन कौन से होंगे जैसे कि student के हम बताएंगे roll number है name है class है age है date of birth है फला 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 and their relationships और उन मुख्तलिफ एंटिटीज का आपस में ताल्लुक क्या है उसको भी हम डिफाइन करेंगे किसमें इन लॉजिकल मॉडल में ठीक है। इट इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस यानी जो भी डाटा आपके डेटाबेस में स्टोर होगा उसकी ये मुकम्मल वजाहत इसमें होगी और किस्म की इंफॉर्मेशन इसमें शामिल होगी कि आपका डाटा किस टाइप का होगा उसमें एंटिटीज कौन कौन सी होंगी एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा हर एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स क्या होंगी डाटा की टाइप्स कौन सी होगी वो इंटीजर होगा वो ये टाइप्स हमें भला क्यों बताते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक रोल नंबर नाम का फील्ड है एक कॉलम है तो उसकी अगर मैं बता देता हूँ कि जो रोल नंबर में सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर होगा तो आप सिर्फ एक दो तो तीन चार पाँच छः या कोई भी आप इंटीजर वैल्यू जिसमें इशारिया वगैरह ना वही आप उसमें स्टोर कर सकते हो अगर आप लिखेंगे ना वन ए बी सी तो वो कहेगा क्योंकि आपने रूल डिफाइन किया है कि रोल नंबर में सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ गई तो वो उसको डाटा एंटर ही नहीं होने देगा वहाँ एरर शो कर देगा ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि जो नेम है नेम में एक दो तीन या इनसे नहीं होने चाहिए तो मैं कहता हूँ नेम का जो डाटा टाइप है वो करेक्टर है उसमें सिर्फ ए बी सी के छोटे या बड़े आरूफ आ सकते हैं तो अगर मैं लिखता हूँ अली वन टू थ्री तो इस तरह का अगर मैं नाम लिखूंगा तो वो नहीं इंटर होने देगा वो एरर शो कर देगा आपको वार्निंग देगा कि क्योंकि आपने जो डाटा टाइप है वो इस तरह की डिफाइन की है जिसमें सिर्फ करेक्टर्स आ सकते हैं ए बी सी आ सकती है चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो तो इसलिए वो डाटा स्टोर ही नहीं करेगा तो हमें रूल डिफाइन करने पड़ते हैं। इसी तरह एक और रूल होता है लेंथ से आपके जो नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे साइज वो कितना होगा
मैं कहता हूँ कि जो मेरा नेम है वो ज्यादा से ज्यादा एक बच्चे का नेम, मैं कहता हूँ 14 करेक्टर पर मुझे मेल होता है। अगर कोई नेम ऐसा आ जाए जैसे कि मैं कह देता हूँ राजा मोहम्मद हारिस जर्राल चौधरी, ठीक है, जाफरी कलंदरी, सारा कुछ मैं आगे लिख देता हूँ, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें कम से कम 40, राउंड अबाउट 40 करेक्टर आ रहे होंगे, तो 40 करेक्टर हमने तो उसको कहा है, आप 14 करेक्टर इंटर कर सकते हो मैक्सिमम। तो इस तरह ये भी एक रूल होगा, ठीक है। तो जो भी आपके डाटा की रूल्स वगैरह हैं, उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं, एंट्रीज हैं, उनका रिलेशनशिप्स हैं, सारा कुछ हम इसमें वाला डिफाइन करते हैं, आपके लॉजिकल मॉडल में डिफाइन करते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे हम मूव करते हैं कि आगे वो बता रहा है कि लॉजिकल जो मॉडल है, जो लॉजिकल डिजाइन है, उसका ओवरव्यू क्या गया, उसमें आगे कौन कौन से कंसेप्ट हैं या कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। ये जितना मैंने पिछला पढ़ दिया है, जो कुछ अब तक पढ़ा वो तो पिछले टॉपिक में भी आपने पढ़ा था। इसमें पहला जो हमारा इसका जो कह लें पार्ट कह लें, वो है रिप्रेजेंट्स एंटिटीज, यानी हम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बताते हैं कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन सी एंटिटीज होंगी। उसके बाद हम बताते हैं रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, उन एंटिटीज का आपस में ताल्लुक क्या होगा, क्या वो वन टू वन होगा, वन टू मैनी होगा, मैनी टू मैनी होगा। उसके बाद मर्ज द रिलेशनशिप, मर्ज द रिलेशनशिप मतलब ऐसा कि कोई दो रिलेशन को हम आपस में इकट्ठा करके एक रिलेशन बनाएंगे, आया अगर हम दो रिलेशनशिप में कोई भी जो चीज़ें डुप्लीकेट हो रही, जो रिडंडेंसी हो, यानी उधर लिखा हुआ उधर वही चीज़ लिखी हो रोल नंबर के नाम से, और इधर लिखा हुआ हो रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन दोनों में डाटा एक ही सेम हो, तो हम किसी एक को उसमें डिलीट कर देंगे। उसके बाद है नॉर्मलाइज द रिलेशन, नॉर्मलाइज द रिलेशन मीन डाटा में से हमने जो रिडंडेंसी रिमूव करनी है, डुप्लीकेशन रिमूव करनी है, उसको एक एक्यूरेट फॉर्म में लेकर आना है। तो ये चार पांच इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, हम हर एक टॉपिक को अलग अलग हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला जी रिप्रेजेंट एंटिटीज, यानी हमने क्या करना होता है, एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना होता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। Each entities in ERD diagram is represented as relation in relational model. कहता है जो रिलेशनल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल मतलब वो मॉडल होता है जिसमें आपका जो एंटिटीज होता है उसमें हम उसमें एज ए टेबल की सूरत में होती है, ठीक है। उन एंटिटीज का एक टेबल आप बना देते हैं, ठीक है, और उन टेबल्स को जो एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप है उनको हम आपस में लिंक कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं रिलेशनल मॉडल कहते हैं। वो कहता है जो रिलेशनल मॉडल है ना उसमें जो भी एंटिटीज होती है उसको हम एक टेबल की सूरत में लेकर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें नीचे एक एंटिटीज है इम्प्लाई, ठीक है, तो इम्प्लाई की हमने पहले तो देखना होता है कि इम्प्लाई की हमारे पास एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, खसूसियात उसमें हम कह सकते हैं कि उसकी इम्प्लाई आईडी, उसका इम्प्लाई नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसकी बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है। आगे उसकी हायर डेट हम लिख सकते हैं, उसकी सैलरी लिख सकते हैं, ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट हम लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास है हमारी एंटिटी, ठीक है, ये उसके क्या है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो जो रिप्रेजेंट एंटिटीज है इसमें हमने क्या करना होता है, इस एंटिटीज को हमने एक बना लेना होता है टेबल, जो नेम ऑफ द एंटिटी होता है वो क्या बन जाता है, आपके टेबल का नेम बन जाता है, ठीक है। नेम ऑफ द एंटिटी यानी जो आपकी एंटिटी का नेम होता है वो आप टेबल का नेम लिख देते हैं, ठीक है, ये नीचे टेबल बन गया, और उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उसके कॉलम बन जाते हैं, उसकी फील्ड बन जाती है। देखो ये एट्रीब्यूट्स है, ये पहले नंबर पर, नेम दूसरे पर, एड्रेस तीसरे नंबर पर, और डेट ऑफ बर्थ चौथे नंबर पर। अच्छा, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप डेट ऑफ बर्थ इधर लिख सकते हैं, एड्रेस इधर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो लाइन के नीचे वाला एट्रीब्यूट्स होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लाइन लगी होती है नीचे, ये हमेशा आप कोशिश करो कि पहला कॉलम ये आपका प्राइमरी की वाला हो, क्योंकि ये एक ऐसी कह लो कि ट्रेडिशनल है, एक रवायत है कि हम इसको इस तरह लिखते हैं। ओके, कहता है जो आपकी एंटिटी है ना, हर एंटिटी वो ईआरडी डायग्राम में उसको हम ऐसे रिलेशन एक टेबल की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ द रिलेशन, यानी जो एंटिटी का नेम होता है वो रिलेशन मीन्स टेबल का नेम बन जाता है। द आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी टाइप बिकम द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन, यानी जो एंटिटी टाइप का आइडेंटिफायर है यानी जिसकी मदद से हम उसकी शनाख्त कर सकते हैं, यह आपको मैंने भी पहले ही बताया था कि इम्प्लाई आईडी किसी भी दो एम्प्लाईज का इम्प्लाई नंबर सेम नहीं हो सकता, ठीक है, हर एक का अलग ही होगा, नेम उनका सेम हो सकता है, उनका एड्रेस सेम हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है,
लेकिन उनका कभी भी इम्प्लॉय आईडी या जिस तरह स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता एक क्लास में, इसी तरह किसी एक कंपनी में किसी भी इम्प्लॉय का इम्प्लॉय आईडी सेम नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर, यानी इसकी मदद से हम इम्प्लॉयज की शिनाख्त कर सकते हैं। ये कहता है ये जो आइडेंटिफायर है ये क्या बन जाता है, टेबल की आपकी प्राइमरी की बन जाती है। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम नेंट की एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन। वो कहते हैं जो बाकी एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं नेम है जैसे एड्रेस है ये बर्थ डेट है ये क्या बन जाते हैं आपके टेबल के नॉन की एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं, मीन्स प्राइमरी कीज के हार्ट वाले, यानी ऐसे एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की नहीं है। आगे कहते हैं द फॉलोइंग एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एंटिटी इनटू रिलेशन। वो कहते हैं ये वाली जो एग्जाम्पल है ये आपकी एक एंटिटी को रिलेशन में कन्वर्ट करने की जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल को क्या कह रहे होते हैं बयान कहा जाता है। सिंपल वर्ड में आपने कोई भी एंटिटी लिख लेनी है उसके एट्रीब्यूट्स लिख लेने हैं और एंटिटी का जो नेम होता है वो बन जाना है टेबल का नेम और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या बन जाते हैं टेबल के कॉलम बन जाते हैं। सिंपल वर्ड में ये है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स, ठीक है। हमारे पास सेकंड हेडिंग है इसकी, ईच रिलेशनशिप इन ईआरडी डायग्राम मस्ट आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल मॉडल। और जो कहता है कि जो भी आपकी ईच रिलेशनशिप इन ईआरडी डायग्राम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल मॉडल, कहते हैं जो रिलेशनल मॉडल है उसमें जो भी आपने ईआरडी डायग्राम में जो भी आपने कोई रिलेशनशिप बनाया उसको भी आपने रिलेशनल मॉडल में रिप्रेजेंट करना है। मतलब आपने जब टेबल बनाने हैं ना तो हर टेबल का एक एंटिटी का जो दूसरी एंटिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा होता है उसको आपने आपस में टेबल्स में लिंक कर देना होता है, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने करना है। रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, कहता है जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपके रिलेशनशिप की नेचर पर डिपेंड करती है कि आपका रिलेशनशिप किस टाइप का है, वो वन टू वन है, वो वन टू मैनी है, रिकर्सिव है, मैनी टू मैनी है, वो किस टाइप का रिलेशनशिप है वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इन सम केसेस कुछ केसेस में ए रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू रिलेशन इन विच वन रिलेशन हैज प्राइमरी की एंड अदर रिलेशन हैज फॉरेन की। इन सम केसेस कुछ केसेस में कुछ सूरत हाल में ए रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड, हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं बिटवीन टू रिलेशन दो टेबल के दरमियान इन विच वन रिलेशन हैज प्राइमरी की एंड अदर रिलेशन हैज फॉरेन की। इसकी मैं आपको थोड़ा सा बनाता हूँ, कहते हैं कि हम कुछ सूरत हाल में हमने ना दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बना सकते हैं जिसमें एक टेबल की जो प्राइमरी की है उसको दूसरे टेबल की फॉरन की के साथ हम क्या कर सकते हैं लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये टेबल बनाया एक ए है, ठीक है, एक ए टेबल के नाम से बनाता हूँ और एक टेबल जो मैं बना लेता हूँ बी, ठीक है। ये आपको गुजारा करना पड़ेगा ऐसे ही समझे कि ये टेबल ही है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं प्राइमरी की को इसकी फॉरेन की के साथ लिंक कर देता हूँ तो ये भी क्या बन जाता है एक आपका रिलेशनशिप बन सकता है, एक उसने ये कंडीशन बताई। कहता है इन अदर केसेस ए रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग न्यू रिलेशन कंटेन्स प्राइमरी कीज एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशन एज फॉरेन कीज। कहते हैं एक और जो दूसरी तरीका है वो रिलेशनशिप बनाने का वो ये है कि हमारे पास तीन टेबल होंगे, ठीक है। एक न्यू रिलेशनशिप हमारे पास हम दो तो टेबल होंगे जिस तरह ये है और एक तीसरा टेबल होगा, ठीक है। इन अदर केस रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग न्यू रिलेशन डैट कंटेन्स प्राइमरी कीज एट्रीब्यूट ऑफ बोथ रिलेशन एज फॉरन की। कहता है इसकी भी एक प्राइमरी की होगी इस टेबल की भी और इस टेबल की भी प्राइमरी की होगी, उसको हम इसमें बना लेंगे, ठीक है, इस टेबल में इंटर कर लेंगे और इसको हम एज ए फॉरन की यूज कर लेंगे और इस तरह हमारे एक टेबल के साथ दो टेबल लिंक हो जाएंगे, ठीक है। एक उसने बताया कि रिलेशनशिप हम किस तरह बनाते हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की के साथ लिंक कर देते हैं, एक तो ये आसान तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास टेबल हैं दो, ठीक है, दो टेबल हैं और उनको हमें लिंक करना है किसी तीसरे टेबल के साथ, तो हम क्या करेंगे इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की इसको हम इधर भी इंटर कर लेंगे इस टेबल में बना लेंगे और ये दो प्राइमरी की मिलकर हमारे पास क्या बनाती है कंपोजिट की बनाती है, ठीक है, और इस कंपोजिट की को हम इसके साथ लिंक कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको आपने समझना है, ध्यान से बार बार सुनना है। दूसरे वाला इन अदर केसेस रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड, हम रिलेशनशिप बना सकते हैं यूजिंग न्यू रिलेशन एक नया टेबल इस्तेमाल करते हुए डैट कंटेन्स प्राइमरी कीज जो रखता है जिसके अंदर होती है प्राइमरी कीज एट्रीब्यूट ऑफ बोथ रिलेशन उन दोनों टेबल की, यानी हमारे पास दो टेबल्स होंगे। इसको मैं थोड़ा सा अगर दोबारा से स्टार्ट करूँ तो इसमें कुछ इस तरह सा हो सकता है कि हमारे पास
ये दो टेबल होंगे ठीक है, एक का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, और इन दोनों की प्राइमरी की है, इसकी भी प्राइमरी की है कोई, इसकी भी प्राइमरी की है ठीक है, इन दोनों की प्राइमरी की मदद से हम एक तीसरा टेबल बना लेते हैं ठीक है। उन दोनों में ए की भी प्राइमरी की आएगी ठीक है इधर, और बी की प्राइमरी की भी आएगी। अब इन दोनों की प्राइमरी की मदद से हम इसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं और इसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं, इस तरह हम एक नया रिलेशनशिप बना। इसमें और भी कॉलम होंगे, इसमें और भी कॉलम होंगे, जरूरी नहीं कि ये दो ही होंगे, इसमें और भी एक दो तीन कॉलम जरूर होंगे ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम ये रिलेशनशिप बना सकते हैं। ओके, बोथ एट्रीब्यूट बिकम्स कंपोजिट प्राइमरी की एंड न्यू न्यू, वो कहते हैं ये कंपोजिट प्राइमरी की बन जाएगी। क्यों कंपोजिट बनेगी? क्योंकि ये दो कॉलम पर मिसमेल होगी ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की कहेंगे। ओके जी, उसके बाद बारी आती है हमारे पास मर्ज रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप को हमने क्या करना होता है, मर्ज कर देना होता है। ओके, मर्ज रिलेशनशिप, रिलेशन रिलेशनशिप कह रहा हूँ सॉरी, यानी टेबल्स को हमें इकट्ठा करना होता है ठीक है। इन सम केसेस दे मे बी रिडंडेंट रिलेशंस, इसको कहते हैं कुछ सूरत हाल में हमारे पास जो रिलेशंस होते हैं, जो टेबल्स होते हैं वो रिडंडेंट होते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा टेबल्स में सेम तरह का डाटा स्टोर हो रहा होता है ठीक है। इट मीन्स दैट टू आर मोर रिलेशन मे डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप, यानी दो या दो से जो ज्यादा रिलेशन हैं वो किसी एक ही एंटिटी टाइप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके बारे में डाटा स्टोर किया जा रहा हो ठीक है। द रिडेंडेंट रिलेशन मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रिडेंडेंसी, कहता है जो रिडेंडेंट रिलेशन है ऐसे रिलेशन जिसमें मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो टेबल्स हैं, जैसे कि ये नीचे उसने बताया हुआ है एक इम्प्लाई वन है और इम्प्लाई टू, दो टेबल्स हैं, इधर भी इम्प्लाई आई डी है और इधर भी इम्प्लाई आई डी है। अब देखो टेबल्स या इम्प्लाई आई डी इसमें होना चाहिए या इसमें होना चाहिए, ये जो दो कॉलम्स हैं ठीक है, दो जो हमारे पास फील्ड हैं ये डुप्लीकेट हो रही है, इनको क्या कहते हैं रिडंडेंट रिलेशनशिप। आप क्या सकते हैं इनको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, इकट्ठा करेंगे ठीक है, चाहे हम इसकी एम्प्लॉई आईडी रख लें या इसकी रख लें, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे सिंपल वर्ड में। द प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज व्यू इंटीग्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, व्यू इंटीग्रेशन भी कहते हैं। सपोज देर आर टू रिलेशन, उसने इसी चीज को आगे लेकर वो चला, कहते हैं फर्ज करें हमारे पास दो रिलेशन हैं, एक का नाम उसने कहा एम्प्लाई वन है और दूसरे का नाम क्या उसने लिखा है एम्प्लाई टू है। द अबव टेबल्स एम्प्लाई वन एंड एम्प्लाई टू डिस्क्राइब सेम एंटिटी एम्प्लाई, वो कहते हैं ये सेम एंटिटीज को डिस्क्राइब कर रही हैं, दे कैन बी मर्ज इन टू वन रिलेशन, वो कहते हैं इनको हम एक रिलेशन में क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ मर्जिंग अबव रिलेशन इज एज फॉलोज, वो कहते हैं इस जो अब हम टेबल्स इन दो टेबल्स को मर्ज करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो कुछ ये रिजल्ट बनेगा। मीन्स आप चाहे ये खत्म, जो भी डुप्लीकेट होगी ना उसमें वो एक खत्म हो जाएगी, वो एक बच जाएगी, चाहे आप नीचे वाली खत्म कर लें या ऊपर वाली खत्म कर लें, जो मर्जी कर लें नो मैटर। उसने क्या किया, वो नीचे वाले एम्प्लॉय आईडी खत्म कर दिया। अब इधर देखो इधर सिर्फ नेम लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, तो इसमें भी तो नेम ही एम्प्लॉय का स्टोर होना, एम्प्लॉय नेम में भी नेम ही होगा, तो ये भी उसने खत्म कर देना। उसी तरह इधर लिखा हुआ एड्रेस, इधर ए डबल डी आर एस लिखा हुआ एड्रेस, तो इन दोनों का मतलब सेम ही है, इसने भी एड्रेस स्टोर करना है, इसने भी एड्रेस स्टोर, इन दोनों में से भी एक ही रहेगी ठीक है, उसके बाद बाकी सेम सही रह जाएंगी, बाकी वही होगी। तो ये क्या होगा कि इम्प्लॉय आईडी आ जाएगी ठीक है, उसने नेम रख लिया, उसके बाद ये एड्रेस रख लेगा, उसके बाद फोन है, उसके बाद डेस्टिनेशन, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सिंपल, इससे हमारे पास ये नया टेबल बन जाएगा ठीक है, यानी जो भी डुप्लीकेट्स कॉलम्स होंगे उनको ये क्या कर देगा, सिंपल वर्ड में रिमूव कर देगा। द न्यू रिलेशन कंटेन्स एट्रीब्यूट ऑफ बोथ रिलेशन विदाउट एनी रिपीटिंग एट्रीब्यूट, कहता है ये जो न्यू टेबल बना है ये वाला, इसमें दोनों टेबल्स के जो एट्रीब्यूट वो शामिल हैं डुप्लीकेशन के बगैर ठीक है, इसमें कोई एट्रीब्यूट डुप्लीकेट नहीं, रिपीट नहीं हो रहा। अब इसको आप देखें तो आपने कहा गया, आपको सिंपल समझ रहा रही होगी आ रही होगी सॉरी, कि इसमें एम्प्लॉय आईडी और इसमें एम्प्लॉय आईडी दो है, हमें तो एक ही चाहिए ठीक है, एक रख लो, नेम है एम्प्लॉय नेम है तो चाहे नेम रख लो, ये एम्प्लॉय नेम रख लो, इधर एड्रेस है, इधर ए डबल डी आर लिखा हुआ, तो इसका भी मतलब सेम है, तो इनमें से जो आपको बेहतर लगता है वो आप रख लो, बाकी आप खत्म कर, सिंपल डुप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद है लास्ट टॉपिक हमारा नॉर्मलाइज द रिलेशन, नॉर्मलाइज मीन चीजों को टेबल्स में रिडंडेंसी रिमूव करना, उनको एक एक्यूरेट एक रिकनसाइज वे में लाना। द रिलेशन क्रिएटेड स्टेप वन एंड स्टेप टू मे हैव सम अननेसेसरी रिडंडेंसी, कहते हैं जो हमने स्टेप वन
या स्टेप टू में हमने रिलेशनशिप बनाए होते हैं ना, जो हमने ऊपर लिखा है रिप्रेजेंट एंटिटीज, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, जो स्टेप वन है और स्टेप टू है, उनमें जो भी हम टेबल बनाते हैं ठीक है, उनमें अननेसेसरी डाटा हो सकता है, अननेसेसरी रिडंडेंसी हो सकती है, डाटा डुप्लीकेट हो सकता है। सम सर्टेन एनोमलीज आर एरर्स मे अराइज व्हाइल अपडेटिंग दीज रिलेशन। सम सर्टेन एनोमलीज, एनोमलीज मीन एरर होती है, या एरर एरर मे अराइज वो पैदा हो सकती है व्हाइल अपडेटिंग दीज रिलेशन। डुप्लीकेशन डाटा की वजह से इन टेबल को जब हम अप्लाई करते हैं, टेबल पर जब हम कोई डाटा अपडेट करते हैं, कोई डाटा नया इंसर्ट करते हैं, कोई डिलीट करते हैं, तो कुछ मखसूस अनामलीज या प्रॉब्लम जो इसमें प्रोड्यूस हो सकती है। ये जो अनामलीज है ना, ये हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तीन से चार चीजों की अनामलीज होती है, अपडेशन, डिलीशन और क्रिएशन, ये अनामलीज होती है हमारे पास। अगर प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग नॉर्मलाइजेशन डिफाइंस दीज रिलेशन टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम, वो कहता है ये क्या करता है, इन टेबल को रिफाइंस करता है, इन टेबल को बेहतर बनाता है ताकि वो इन अनामली से बच सके। फॉर एग्जाम्पल, एक अनामली की एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि यही टेबल है, इसमें मैंने क्या करना है कि नेम नेम अपडेट करना है ठीक है, इनमें से मैंने क्या करना है, नेम अपडेट करना है। तो जो नेम अपडेट करूंगा वो एक टेबल में तो नेम अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें नेम अपडेट कर देता हूँ, इसमें नहीं करता, तो इस जगह पर अली अहमद लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल, इसमें मोहम्मद अली लिखा होगा, तो ये क्या करेगा, अनामली की वजह बनेगी कि इससे हमारे पास क्या होगा, डाटा डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, इसको अच्छे तरीके ओके, आई होप कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ लिया। अगर कोई भी किसी किस्म का इस पर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतनी काफ़ी है।